इंदौर की विजयनगर पुलिस ने एक ऐसे कार चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो किराए की कार लेकर फरार हो जाता है और जब तक कार मालिक को पता चलता है तब तक आरोपी कार को बेच देते थे। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 कारें बरामद की हैं। पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि किराए पर गाड़ी लेकर फरार होने वाला एक गिरोह शहर में सक्रिय है जो कि इंदौर और ग्वालियर में सेल्फ ड्राइव के बहाने गाड़ियां किराए से लेते हैं, एक दिन का किराया देकर गाड़ियों को किराए से लेते हैं और उसे दूसरे शहर जाकर बेच देते हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई और पुलिस के हाथ जल्द ही सफलता मिली जिसमें पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 7 कारें बरामद की हैं। देखिए, थाना विजयनगर पे कुछ दिन पहले एक आवेदन प्राप्त हुआ था। आवेदन पर से पता चला था कि एक जो कुछ लोग हैं जो कि गाड़ियों को लोन वो गाड़ियों को किराए पर लेते हैं, रेंट पर लगाने के नाम पे लेते हैं और उसके बाद फिर और गाड़ियों को किसी और दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं या फिर दूसरे शहरों में भेज देते हैं उन गाड़ियों को। उसके बाद फिर ना तो उन गाड़ियों का रेंट देते हैं ना ही उन गाड़ियों को वापस करते हैं। इस तरह से जब ये प्रथम दृष्टया जब इस पे अपराध 420, 406, 34 का अपराध कायम किया गया, इसके बाद इस पूरे प्रकरण को विवेचना में लिया गया और विवेचना में लेने के बाद इसमें जब पता चला कि शुरुआत में जो आवेदन मिले थे उसके बाद फिर जब हम पुलिस ने डिटेल तफ्तीश की तो इसमें कुल 5 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, इसमें जिसमें 3 लोग भोपाल के हैं, 2 लोग इंदौर के हैं। तो और ये काफ़ी और ये मामला जो है काफ़ी अभी और भी इसमें गाड़ियां जो अभी टोटल हम लोगों को मिली है 7 गाड़ियां मिली है और इसमें उम्मीद है कि और गाड़ियां भी मिलेगी। इसमें चूंकि वो लोग फर्जी तरीके से धोखाधड़ी करते थे तो इसमें जो है और फर्जी कागजात भी बनवाते थे, एग्रीमेंट फर्जी बनवाते थे, इसी कारण इसमें जो धारा इजाफा किया गया था 467-468 IPC वो इजाफा किया गया था। इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जाएगा। जैसा कि इसमें 2 लोग इंदौर के हैं और 3 लोग जो गिरफ्तार हुए वो भोपाल के हैं। तो ये लोग क्या है, यहाँ जो इंदौर के लोग हैं वह यहाँ लोकल लोगों से जो संपर्क करते थे और उसके बाद फिर संपर्क करने के बाद फिर वो अपने जो भोपाल के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको गाड़ियाँ जैसे कि न्यू मार्केट में या फिर भोपाल के अन्य ऐशबाग में अन्य इलाकों में जो है वो गाड़ियों को वहाँ पर बेच देते थे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, एग्रीमेंट के बेसिस पे। इसमें ये ओनरशिप भी चेंज करने का उस एग्रीमेंट में ओनरशिप भी चेंज कर देते थे तो उसी के बेसिस पे 467 और 468 का इसमें इजाफा किया गया। अभी तक पुलिस के संज्ञान में 7 गाड़ियां हैं जो कि कुछ और गाड़ियां हैं जो हमको उम्मीद है कि अपन उनके पीछे लगे हुए हैं और ये और भी कई गाड़ियां और विजयनगर पुलिस को इसमें सफलता मिल सकती है। इसमें ये जो रेंट है किसी कंपनी में लगाने के नाम पे या फिर जो इसमें कंपनी में लगाने के नाम पे या फिर अन्य ओनरशिप भी चेंज कर देते थे तो उसी के बेसिस पे 467 और 468 का इसमें इजाफा किया गया। अभी तक पुलिस के संज्ञान में 7 गाड़ियां हैं जो कि कुछ और गाड़ियां हैं जो हमको उम्मीद है कि अपन उनके पीछे लगे हुए हैं और ये और भी कई गाड़ियां और विजयनगर पुलिस को इसमें सफलता मिल सकती है। इसमें ये जो रेंट है किसी कंपनी में लगाने के नाम पे या फिर जो इसमें कंपनी में लगाने के नाम पे या फिर अन्य जो किसी और व्यक्ति को देने के नाम पे 1,500 से 2,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ये बोलते थे और जो लोग जिनकी जो वाहन स्वामी है उनको ये प्रलोभन देते थे इस तरह का और उसके बाद फिर वो जो अपने दूसरे जिलों में जो कॉन्टैक्ट्स हैं जैसे भोपाल में है या फिर ग्वालियर में है तो उनको जो है ये फर्जी एग्रीमेंट करते थे जिसमें वाहन स्वामी का नाम जो है जिसको खरीद रहा है उसको विश्वास में लेते थे कि ये उनकी खुद की गाड़ी है और उसके बाद फिर उसको जो है कम दामों में उसको बेच देते थे। अभी तक इंजन नंबर या चेचिस नंबर चेंज करने की वो अभी तक हमें नहीं मिली है लेकिन एक बार अपन उसकी भी RTO से जांच करवा लेंगे। अभी इसकी तफ्तीश की जा रही है, एक बार देख लेंगे MIG की घटना का। नहीं, अभी तक RTO में कोई RTO की कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ करने की नहीं आई है बात, अभी तक ये एग्रीमेंट के बेसिस पे आई है लेकिन एक बार बाकी सभी विकल्प खुले हुए हैं, एक बार सभी इसमें इंजन नंबर चेचिस नंबर उसका भी एक बार सीरियल मिलान कर लिया जाएगा और RTO के डॉक्यूमेंट्स भी जो RC कार्ड होता है उसका भी मिलान कर लिया जाएगा। तो RC कार्ड से RTO में सप्लाई होता है, वो RC कार्ड पर ही प्रिंट आउट कर रहे थे और उसी कार्ड पर RTO बेच रहे थे।
अभी तक जो पुलिस को तफ्तीश में है वो विक्रय अनुबंध पत्र जो है वो फर्जी करके उसके बेसिस पे करते थे। एक बार आरसी कार्ड में जो जो अगर छेड़छाड़ की कोई बात आएगी तो उसको भी एक बार तफ्तीश की जाए। इसमें दो लोग जो है निवासी जो इंदौर के हैं और तीन लोग भोपाल के हैं, पांच लोग खुद गिरफ्तार हुए। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।